कैसे आप लोग? मेरी उम्मीद और मेरा विश्वास आपके साथ है, सब कुछ अच्छा और बेहतर होगा। आज का जो जो वीडियो है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। आपने मेरे थंबनेल से समझ गए होंगे कि यार, सिंगापुर में जो वर्क परमिट, एस पास और एम्प्लॉयमेंट पास है, जो ICA अप्रूवल कब से शुरू होगा। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पास ऑलरेडी IPA आया हुआ है, IPA मीन्स वीज़ा आया हुआ है, और ऑलरेडी जो स्टक हो चुके हैं इंडिया में या और किसी भी कंट्रीज़ में, जो 6 कंट्रीज़ हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिनके पास ऑलरेडी वीज़ा है और ऑलरेडी IPA है। तो वो जो सिंगापुर कब आएंगे और कौन अप्लाई करेगा, ICA अप्रूवल कब होगा, क्या प्रोसेस होती है, कौन करेगा, सारा कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। सबसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप इस चैनल पर नए आए हो, सिंगापुर से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन लेना चाहते हो, आप इस चैनल को सब्सक्राइब शेयर कर दो। और हाँ, थैंक्स फॉर एवरीबडी पिछली वीडियोज़ को देने के लिए। जैसे ही मैंने ग्रेट न्यूज़ आपको दी थी, एक दिन में 2000 से ऊपर व्यूज़, 300 से ऊपर लाइक्स, या इससे पता लगता है कि आपको मेरी वीडियो बहुत अच्छी लगती है। और इसी तरह से यार, सपोर्ट करते रहो ताकि आपके भाई को, ताकि और भी अच्छी से अच्छी इन्फॉर्मेशन आपको देते रहो। क्योंकि यार, इस पेंडेमिक के बाद, ये आपको तो पता है कि पेंडेमिक जो है वो एंडेमिक हो चुका है। तो लॉ न्यू आपके पास कोई भी टर्म्स कंडीशन सिंगापुर की बदलती रहेंगी अब, और जैसे भी बदलती रहेंगी या जैसे भी नए लॉ आते रहेंगे, आप लोगों को मैं अपडेट करता रहूँगा, ठीक है। अब दूसरी बात, और एक बात और थी, अगर आप चाहते हो कि सिंगापुर से रिलेटेड और भी वीडियो बनाई जाए स्टडी वीज़ा के ऊपर या किसी भी कॉलेज के ऊपर, तो आपको मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस बना के दूंगा, ताकि हर आप लोगों की जो इच्छा है सिंगापुर आने की वो पूरी हो जाए, चाहे वो किसी भी पर्पस पे हो, स्टूडेंट, टूरिस्ट वीज़ा, कोई भी हो, तो आप मुझे कमेंट्स करना। खैर, ज़्यादा देर किए बिना अगर उस टॉपिक को बाद में बात करते हैं, आज की जो वीडियो का उस टॉपिक पे बात करते हैं कि अगर आपके पास अप्रूवल आया हुआ है तो क्या करना है, ठीक है। तो सबसे पहले, अगर आपके पास वीज़ा है तो आपको पहला स्टेप करना है, आप अपने बॉस को कॉल करो, अपने एम्प्लॉयर को कॉल करो। ये जो ICA का जो अप्रूवल है, आप खुद नहीं ले सकते हो, ठीक है। अगर आप स्टडी वीज़ा पर भी हो तो भी आपको कॉलेज ही आपकी हेल्प करेगा, आप खुद नहीं ले सकते। आप इंफॉर्मेशन उसको दे सकते हो जो इंफॉर्मेशन उनकी रिक्वायर्ड होगी। दूसरा, जिसके पास वैलिड वीज़ा है, चाहे वो वर्क परमिट हो, एस पास हो या एम्प्लॉयमेंट पास हो, तो आपका एम्प्लॉयर को 5 चीज़ें करनी पड़ेंगी जैसे भी आप सिंगापुर आएंगे। अब वो 5 चीज़ें क्या हैं? सबसे पहला आता है, आपके जो एम्प्लॉयर को ICA की वेबसाइट में आपको वो अप्लाई करेगा अप्रूवल के लिए। अब ये ICA और सेफ ट्रेवल एक ही चीज़ है, तो अगर वेबसाइट का नाम भी है safetravel.ica.gov.sg, तो पहला काम है आपका एम्प्लॉयर आपके लिए अप्लाई करेगा ICA से, जो safetravel.ica.gov.sg, ठीक है। दूसरा, आपका एम्प्लॉयर आपके लिए ट्रेवल फॉर WHL में वर्क परमिट होल्डर्स लाइन, ये इस तरह से कैटेगरी बनाई हुई है इन्होंने सिंगापुर में कि आप किस कैटेगरीज में आप अप्लाई करेगा। तो आपका जो एम्प्लॉयर है या आपकी कंपनी है, वो आपके लिए WHL में वर्क परमिट वर्क परमिट होल्डर लाइन में अप्लाई करेंगे आपके लिए। ट्रेवल्स फॉर सम लॉ है, वो भी सेफ ट्रेवल के अंडर आता है। तीसरा जो है, आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड, वो आपका सबमिट करना पड़ेगा, वो आपका एम्प्लॉयर करेगा, आपको उनको इन्फॉर्मेशन देनी है, ठीक है। आपका पासपोर्ट नंबर और क्या वैक्सीनेशन है। अब वैक्सीनेशन कौन कौन सी अप्रूव्ड है, मैं आगे जाके आपको वीडियो बना दूंगा उसकी, अगर आप चाहते हो तो कमेंट्स करना। चौथा, तो 3 चीज़ हो गई, एम्प्लॉयर आपके लिए ICA का अप्रूवल का फॉर्म भरेगा। मैं डिस्क्रिप्शन में स्क्रीनशॉट दे दूंगा और इस वीडियो में भी स्क्रीनशॉट दे दूंगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि ICA का अप्रूवल आप सिंगापुर में कैसे है। तो पहला काम ICA अप्रूवल का फॉर्म, दूसरा ट्रैवल फॉर वर्क हेल्थ लाइन, इस वर्क परमिट हेल्थ लाइन की ट्रैवल हिस्ट्री में, उसमें SHN का कुछ पंगा है, पंगा मीन्स वो फॉर्म भरना पड़ेगा, वो आपका एम्प्लॉयर भरेगा कि कहाँ फैसिलिटी आपको देनी है, क्या है,
और तीसरा आपका वैक्सीनेशन रिकॉर्ड हो गया, चौथा अप्लाई फॉर टेस्ट कोविड। तो कहने का मतलब है वो आपको भी आपका जो एम्प्लॉयर है वो अप्लाई करेगा कि उसकी भी फ़ीस है शायद मेरे हिसाब से $180 के आसपास है जो कोविड की टेस्ट होगी। और नंबर पाँचवें पे जो होगा अप्लाई फॉर, ये ICA की वेबसाइट में ही मिलेंगी चारों चीज़ें। जो पाँचवीं चीज़ है ये भी है अराइवल ऑन SG कार्ड। जैसे भी हम पहले सिंगापुर में फ्लाई करते थे तो आपको एयरपोर्ट पर एक फॉर्म मिलता था जिसमें आपका पासपोर्ट नंबर वगैरह, कुछ डिक्लेरेशन नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह ये चीज़ें भरती है, तो वो आपको ऑनलाइन होगा। तो ये पांच चीज़ें आपके एम्प्लॉयर को करनी है और आपका IP आपके पास है और IC अप्रूवल आ जाएगा। फिर आपको कुछ नहीं करना है, पहले अपना पासपोर्ट रखना है, IPA रखना है और IC अप्रूवल रखना है, वैक्सीनेशन का आपके पास डिजिटल फॉर्म होगा क्योंकि आपका तो ऑलरेडी फिल हो चुका है और आपका फिज़िकल फॉर्म भी होगा। अगर आप इंडिया से हो तो शायद कोई एप्लीकेशन होगी वो सिंगापुर में वैलिड हो, और आपके पास तो एग्जिस्टिंग वीज़ा है तो ट्रेस टुगेदर का भी होगा। तो यही थी, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि आपके एम्प्लॉयर को कौन कौन सी चीज़ें करनी है। आप अगर चाहते हो तो मैंने फिर एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ, आपका एम्प्लॉयर ICA की वेबसाइट में जाके safetravel.ica.gov.sg पर जाके आपके लिए अप्लाई करेगा। अब ये चीज़ें जो हैं पहले डिपेंड करती हैं कि आपका जो वीज़ा है वो 6 महीने तक वैलिड होना चाहिए, क्योंकि जब अप्लाई करेगा तो उसकी प्रोसेसिंग टाइम है, मीन्स ICA अप्रूवल का प्रोसेसिंग टाइम है 15 दिन से 60 दिन। तो दो वीक में आपका प्रोसेस होगा, क्योंकि उस प्रोसेस के दौरान 15 से 60 दिन के दौरान आपका जब अप्रूवल आएगा तो आपको स्टे होम नोटिस वाला फॉर्म भी आपको भरना पड़ेगा। तो जैसे ही आपका अप्रूवल आ जाएगा तो आपको 48 घंटे पहले PCR टेस्ट कराना। आप PCR कहाँ कहाँ से होगा वो आगे जाके वीडियो बना दूंगा। तो कहने का मतलब यह है कि अब जो ICA अप्रूवल होगा उसमें डेट लिखी आएगी कि अगर जैसे 30th November, तो आपको 30th November को ही सिंगापुर आना पड़ेगा। पहले ऐसा नहीं होता था, आपका वैलिड वीज़ा है, ICA अप्रूवल हो जाएगा, अगर आप 30th November को ही आएंगे तो आपका एम्प्लॉयर जो है 31st को स्टे होम नोटिस जो safetravel.gov की जो वेबसाइट है उसमें जाके क्वारंटीन का आपका फिल द फॉर्म करेगा। तो पहले का मतलब स्टेप बाय स्टेप, पहला IPA अप्रूवल हो जाएगा, फिर दूसरा ICA अप्रूवल हो जाएगा, तीसरा आपका एम्प्लॉयर का काम जो रहेगा वो SHN क्वारंटीन की अरेंजमेंट वो जो सेफ ट्रेवल में होता है, और उसके बाद आपका SG ऑन अराइवल आपका हो जाएगा। तो आप अगर 30 नवंबर की फ़्लाइट है आपको 28 तारीख को PCR कराना पड़ेगा, 48 घंटे पहले का आप हिसाब लगा लो, 29 को पड़ेगा, एक दिन में 24 घंटे होते हैं पूरे दिन में, तो 2 दिन पहले का PCR चलेगा और उसके बाद आप सिंगापुर आ सकते हो। आई होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर कुछ भी पूछना हो कमेंट्स कर देना और स्क्रीनशॉट दे दूंगा जो जो चाहिए होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।